पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, दिन होता है और कोई चाहे दिन ही दिन रहे रात न रहे, यह संभव है। दिन है तो रात आएगी, दिन प्रकाश स्वरूप है, रात अंधकार स्वरूप है, लेकिन सोते बनता है रात में ही, दिन में उतना बढ़िया सोते नहीं बनता। अनुकूलता है, प्रतिकूलता ना आए ये असंभव है। प्रकाश है तो अंधकार ना आए, देखो प्रकाश चल रहा है वहीं पास में अंधकार है। सूरज का भी प्रकाश रहता है तो प्रकाश का जहाँ छोर होता है वहाँ अंधकार शुरू होता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म है तो मृत्यु न हो, मृत्यु न हो तो क्या दशा होगी, शरीर तो गलेगा। 200 वर्ष का शरीर आपका हो जाए खिसक न पावे क्या फायदा है। जन्म हुआ है मृत्यु पक्की है, जन्म मंगलमय है मृत्यु अमंगल है। मृत्यु नाम सुन करके लोग भयभीत होते हैं मर जाने के बाद, जबकि मरने की याद करनी चाहिए। प्रशंसा मिली है तो निंदा न मिले ये असंभव है। बर्फ को लोग भून करके खाना चाहते हैं, बर्फ कहीं भून करके खाई जा सकती है? प्रशंसा मिले और निंदा न मिले? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है महापुरुष, सामान्य की बात छोड़ो महापुरुष, महापुरुष में कहो संत औलिया सिद्ध पुरुष, सिद्ध का मतलब है आत्मतृप्त पुरुष, आत्मसंतुष्ट पुरुष। मानो दुनियादारी हैं बड़े तो उनकी निंदा भी हुई, दुनियादारी हैं कुछ गलतियां भी हैं इसलिए निंदा हुई। ऐसे संत जो कृतार्थ आत्मा हैं उनकी भी निंदा होती है, जीवन मुक्त संत की भी निंदा होती है। और निंदा करने वाले सब के सब बेवकूफ नहीं होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। ज्ञानी जीवन मुक्त की निंदा करते हैं, ज्ञानी है, ज्ञान का पूरा आचरण नहीं। इतिहास उठा करके देख लो, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उनको स्वयं ज्ञान होगा। बुद्ध को गाली दी गई, महावीर को गाली दी गई, मारने की भी चेष्टा की गई। कबीर साहब के ऊपर 52 कसनियों की जो चर्चा है अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलता तो आई ही होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बिचारे दुर्जनों की भी वंदना किए हैं रामचरितमानस में, लेकिन काशी में अछूत की तरह वो रहते थे। पंडित लोग बहुत हिकारत की दृष्टि से देखते थे। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जिसकी निंदा नहीं हुई है? और ऐसी भी निंदा हुई है घोर निंदा, जबकि कोई निंदित कर्म उनसे नहीं लेकिन घोर निंदा। एक महात्मा, ये जैन संप्रदाय की बात है, जैन नहीं, भारत से एक संत गए थे बौद्ध मत के चीन में, तो उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया और थोड़ी मस्तानगी की रहनी का प्रचार किया, तो झेन परंपरा उसमें निकले। शायद वो झेन परंपरा के संत थे, गांव के बाहर कुटिया में रहते थे। तो
एक लड़की को गर्भ रह गया, अविवाहित लड़की को। तो उसने सोचा जिससे गर्भ रहा होगा शायद उसका भी षड्यंत्र रहा हो, उस पुरुष का भी। पिता ने पूछा ये तेरा गर्भ कहाँ से हुआ, तो कहा जो कुटिया में महात्मा रहता है। बहुत गुस्सा आया उसको, बच्चा पैदा हुआ ले गया, कहा तूने इसको किया है और ये तेरा है। महात्मा ने कहा ऐसा, बच्चे को ले लिया, बकरी वकरी का दूध मंगा मंगा के पिलाने लगा। एक या दो वर्ष बीते या कुछ बीते, पूरा इस समय याद नहीं कितना लिखा है, कुछ दिन बीते, एक वर्ष से शायद कम न बीता हो, तो उस लड़की को बड़ी ग्लानि हुई। गांव वाले सब उसका तिरस्कार किए, आना जाना बंद कर दिए, वहाँ भ्रष्ट साधु। लेकिन उस साधु ने कुछ नहीं कहा था। जब लड़का ले जा करके उसके पास कहा दे तेरा पैदा किया हुआ है, तो संत ने कहा ऐसा, बस इतना ही कहा और ले लिया और सेवा करता रहा। जब उस लड़की को अंतर दाह हुआ कि मैंने क्या कह डाला, तो वो पिता से कही पिताजी सच ये नहीं है, सच अमुक आदमी है। लेकिन संत थे इसलिए उन्हीं लगा दिया कि जी जो झंझट हो उन पर जाए, तो उनको बड़ी गलानी हुई। तो गए चरणों में गिर पड़े, कहे महाराज आप निर्दोष हैं। तो महात्मा ने कहा ऐसा लड़का लेके चला भाई बड़ी बात है, मेरे पास ऐसा लेकर के आवे तो ऐसा कह करके मैं तो नहीं रह पाऊंगा कैसा संसार है। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में भाषण कर रहे थे, एक युवती विरोधियों ने उसको तैयार करके भेजा था, पेट पर कपड़ा बांध कर साड़ी पहने, बदनाम का पैसा दिया था उसको विरोधियों ने। भीड़ में बैठी बैठी बस खड़ी हुई, कहे बहुत ज्ञान झाड़ते हो, हमारा पेट तुम्हें नहीं बढ़ाया है, इसका निर्वाह कौन करेगा। सारा समाज स्तब्ध, महात्मा बुद्ध शांत। और गरमाई गरमाई तो कपड़ा सरक गया नीचे पोल पट्टी वहीं खुल गई और भी भयंकर बात हुई। एक संप्रदाय के लोग उनके पिछवाड़े तरफ रहते थे, श्रावस्ती जो कोई गया होगा सहेट महेट, तो बुद्ध के रहने का जो अवशेष है आज भी है, ईंटों से बना हुआ, वो नींव है, थोड़ी थोड़ी दीवार है और मोटे मोटे बड़े बड़े ईंटे हैं। तो उसके उस तरफ पश्चिम तरफ वो दूसरे मत वाले रहते थे और इनके विरोधी थे, तो एक वेश्या को तय किया था। तो रोज शाम को श्रृंगार करके वो निकले गंधमाला ले करके, बिना पूछे बताती चले जा रही हूँ बुद्ध की कुटिया में रात भर रहूँगी, आवे और उन्हीं यहाँ चली जाए जो विरोधी रहे इनके, जो इसको तैयार किए रहे बदनाम करने के, उसी के यहाँ रहे रात भर और फिर उधर से लौटे तो अस्त व्यस्त कपड़ा सब कुछ अस्त व्यस्त, और लौटे रास्ते में कहती जाए भगवान बुद्ध के गंध कुटी में रात भर रही। इस प्रकार वो कई दिन तक करती रही, पूरे शहर में बदनामी फैली। एक दिन क्या किया विरोधियों ने, जब उसके उसके तरफ गई वो, तो रात में उसको मार के ख़त्म कर और मार करके बुद्ध की कुटिया के पीछे डाल दिए।
और फिर सुबह प्रचार किए कि देखो बुद्ध इतने दिनों से इसके साथ दुराचार किए और मार के फेंकवा दिए, पूरा हल्ला। भीड़ तो भीड़ ही है। भिक्षु भिक्षा के लिए जाएं तो लोग दुत्कारें, कानाफूसी करें, कोई सामने का है, उल्टा पलटा का है, भिक्षा कम मिले, कुछ समझदार रहे भिक्षा दें, वो सोचें कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन समाज तो भीड़ ही है। लौट के आवाएं कहें भगवान बड़ा तिरस्कार हो रहा है, कहे घबराओ मत। कोई जब तुमसे कहे तो कह देना झूठ बोलने वाले को ही तकलीफ होती है, और कुछ न कहो। उधर CID विभाग लग गया पता लगाने के लिए, तो जो काम करने वाले होते जरा जोशीले होते हैं, भभकते हैं, पता लगा लिए, पकड़ लिए आदमियों को जो मारे थे, और जिस वर्ग ने मरवाया था वो सब का पता लग गया। और फिर शहर में उसका अनाउंसमेंट हुआ कि किसने किया, भ्रम उड़ गया। तथागत बुद्ध निर्दोष, निर्दोष थे ही, ऐसे महापुरुष तो निर्दोष होते ही हैं। वो तो महान थे, छोटे छोटे साधु साधक भी निर्मल होते हैं, गृहस्थ निर्मल होते हैं, सब गृहस्थ ऐसे थोड़ा कोई होगा, गृहस्थ हैं, अपनी गृहस्थी में है, लेकिन पराई स्त्री से कोई मतलब नहीं। तथागत बुद्ध के लिए इसी बात आई, संसार ऐसा है कि इसमें कोई चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, निगेटिव न रहे, असंभव है। घर में चार लोग हैं तो घर में सब आपके साथ सामने हाथ जोड़ते रहें, मीठे वचन कहते रहें और सब बढ़िया व्यवहार करें, बड़ा मुश्किल है। कुछ ऐसे होंगे जो साधारण होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपसे थोड़ा सा कटु भी बात बोल देंगे, कोई राजसी कोई तामसी, कोई कैसो कोई कैसो, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कितने पति पत्नी हैं साथ साथ रहते हैं और रोज झगड़ते हैं, पिता पुत्र हैं कितने, पिता कागज पर लिख करके पुत्र की मेज पर पत्थर से दबा के रख देता, एक पुत्र जब वो आता पढ़ लेता, और उत्तर देना होता तो कागज पर लिख करके पिता की अनुपस्थित में उसकी मेज पर वो रख देता पत्थर से दबाकर, बातचीत नहीं करते। एक ही पुत्र, और एक पुत्र से भी बातचीत नहीं, कितना खराब है, ये तो बहुत ही खराब है। आपस में बातचीत करो, वार्ता जब आपस में बंद होती है तो मवाद बनता है। आपस की वार्ता बहुत आवश्यक है। शाम को इकट्ठे हो घर में तो बाल बच्चों से या माता पिता से, जितने सगे संबंध यानी परिवार के लोग हैं, सब में हंस हंस कर बोलो, बिना बात के भी बात थोड़ी शुरू कर दो और हंस बोल लो। एक साथ बैठ करके खाओ, और एक साथ बैठ करके कुछ भजन साधन करो, जैसे आपका मत हो, अपने मत के अनुसार प्रार्थना इबादत वंदना पूजा ध्यान अध्ययन चिंतन मनन कुछ भी करो, कथा वार्ता ज्ञान की पुस्तकें एक पढ़े सब सुने, कुछ करो तो बड़ा अच्छा होगा। शाम को इकट्ठे हो जाओ तो आपस में हंस बोल लो, सबके दिल की कुंडी खुल जाए, और एक साथ बैठ करके भोजन कर लो, और एक साथ कुछ सत्संग की बात करना चाहिए। आजकल तो बहुत सरल सरल पुस्तकें बन गई हैं, आधा घंटा एक व्यक्ति पढ़े और सब सुने तो अच्छी बात दिमाग में आएगी।
सबसे प्रेम का व्यवहार करो। जीवन मशीन नहीं है। मशीन में तेल पानी डाल दिया बस हो गया, उसमें मन नहीं है, आत्मा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस शरीर में आत्मा है, मन है। केवल जल भोजन दे देने से काम नहीं चलेगा। जल भोजन तो जरूरी है, लेकिन मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। सारा संसार मन के नरक में जल रहा है, सारा संसार। वे धन्य है जिनका मन नरक नहीं है, स्वच्छ है, निर्मल है, प्रशांत है, और ऊंची नीची स्थितियों में समता से रहते हैं। ऊंची नीची स्थितियां उनके सामने भी आती हैं। जीवन मुक्तों के जीवन काल में भी भूख प्यास ठंडी गर्मी सम्मान अपमान आदर निरादर आता ही है, इससे बच नहीं सकते। इसलिए जब तक देह है तब तक दुख का अत्यंत अभाव नहीं होता है, मानसिक दुख का अभाव हो जाता है, मन उनका पीड़ित नहीं होता है। जब प्रतिकूलता आती है तब भी पीड़ित नहीं होते हैं, दृढ़ रहते हैं, चली जाती है। अनुकूलता नहीं रहेगी, प्रतिकूलता नहीं रहेगी, सम्मान नहीं रहेगा, अपमान नहीं रहेगा, सत्कार नहीं रहेगा, तिरस्कार नहीं रहेगा, अनुकूल नहीं रहेंगे, प्रतिकूल नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, सब भागा जा रहा है। अंदर से इतना अपने को मजबूत बनाओ कि किसी प्रकार विचलन ना हो। जीवन की सफलता इसी में है। सबको आप अपने अनुसार नहीं बना सकते हैं, अपने मन को अपने अनुसार बना लीजिए। पूरी दुनिया में चाम बिछा करके कोई चल नहीं सकता है। बड़े बड़े राजे महाराजे पूंजीपति भी पूरी दुनिया में चाम बिछा के नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी भी अपने पैर में चाम की जूतियां पहन ले तो जहां जाएगा वहां चाम बिछाया है। कितना सरल है, चाम बिछा करके पूंजीपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं चल सकता है, लेकिन चाम की जूतियां पहन लेने पर जहां जाओ चाम बिछाया है। कितना सस्ता। सबको ठीक करके सुखी होना चाहते हो, जो असंभव है, अपने मन को ठीक कर लो बस सुखी। दूसरे के स्वभाव को सुधारने का हमारा क्या अधिकार है? जैसा जिसका है वैसा है। अपने को संभालो, अपने को सुधारो। जिसने अपने को संभाल लिया पूरे संसार को संभाल लिया। संसार पर विजय आत्मविजय है। संसार के हम एक अंग हैं। अगर हम अपने को संभाल लिए तो संसार का एक अंग संभल गया, यही संसार का सुधार है। दूसरे के लिए कह भर दिया जा सकता है, कोई अधिकार नहीं किसी पर, पुत्र पर शिष्य पर अधिकार नहीं है, गुरु और पिता पर क्या अधिकार होगा? किसी पर किसी का अधिकार नहीं है, अपने ऊपर अधिकार है। लोग अपने को खटाई में डाले रहते हैं। जीवन का असली काम हम नहीं करते हैं। हमारी कमजोरी सम्मान का प्रेमी, सत्कार का प्रेमी, पद का प्रेमी, धन का प्रेमी, मान बड़ाई का प्रेमी, ये हमारी विषयाशक्ति है। और ये विषयाशक्ति के मिटे बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं।
विषयाशक्ति शब्द में अर्थ प्राय खाली इतने लगा लेते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध जनित जो विषय है उतने सोच लेते हैं। वो तो है ही है भवधारा, लेकिन कहीं भी संसार की किसी वस्तु से सुख की कामना करना विषयाशक्ति है। हम सम्मान चाहते हैं तो विषयाशक्ति है, सत्कार चाहते हैं तो विषयाशक्ति है, अपनी वंदना प्रार्थना चाहते हैं तो विषयाशक्ति है, और कुछ इसमें धरा नहीं। हमारे सत्कार वाले नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारा तिरस्कार करने वाले नहीं रहेंगे और हमारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मन जैसा होगा वैसी दशा आएगी। अगर मन मैला है तो दुख होगा, आज और आगे सब समय दुख होगा। मन निर्मल है तो यही लोग की सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम जजो, इस लोक में सुख भोगो और अंत में सत्य में स्थित हो जाओ। सत्य में आज ही स्थित है, जो आज सत्य में स्थित है सब समय सत्य में स्थित है। शरीर चल रहा है, शरीर है या टूट जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं। सर्वथा सत्य अपना स्वरूप है, आत्मा है, स्वरूप, स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ, खुद का पदार्थ। खुद का पदार्थ क्या है? आत्मा, रूह, सोल, चेतन, उसी को ब्रह्म परमात्मा भी कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर नहीं, अपना आपा अपना आत्मा सर्वोच्च तत्व है, परम तत्व है। इस परम तत्व आत्मा को समझकर मन के सारे विकारों को छोड़कर आत्मा में निमग्नता जीवन का फल है। न सुख रहेगा न दुख रहेगा, न सम्मान रहेगा न अपमान रहेगा, न हानि रहेगी न लाभ रहेगा। शिशुपन गया, बालपन में गया, कौमार्य गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, जर्जरता आ रही है, वो भी नहीं रहेगी। मौत साथ नहीं देती है, मौत आई और गई, कौन साथ है? ये जो साथ का मोह है ये बिना टूटे किसी का मोक्ष नहीं, निर्वाण नहीं, कल्याण नहीं। देह का साथ ये सबसे मोह है, मोहास्पद शरीर सारे मोह का कारण। देह का साथ अचानक छूटेगा, जिसका हमें बड़ा गर्व है अचानक छूटता है। एक सज्जन बैठे थे, चकराए और गिरे, बस शरीर छूट गया। एक सज्जन बैठे बैठे झाड़ू लगा रहे थे, बस वहीं लुढ़क गए। एक साइकिल पर जा रहा था, साइकिल उधर गिरी उधर गिरा, वहीं मर गया। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते रास्ते, तो पेड़ के किनारे बैठ गया, पेड़ के तना से पीठ लगा करके आराम करने लगा, बस मर गया। घास छीलते थे तो लोग सोचे कि ये सो गया है, जगाओ, गए तो मरा रहा। अभी कुछ महीने के पूर्व सूरत में हमारा एक भक्त आया आश्रम पर, वहाँ अपना आश्रम है, उसने मेरी एक पुस्तक खरीदी, खरीद करके घर गया। घर गया और एक दिन सोचा कि शमशान में जाके पढ़ूंगा, तो शमशान में चला गया, नर्मदा के किनारे, तापी, तापी के किनारे। वो बस लेट गया
उलट करके सीने पर पुस्तक ऐसे रख करके पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते पुस्तक सीने पर छूट गई, हाथ सीने पर हो गया। कुछ लोग दाह करने आए एक लाश, तो दाह कर दिए। बैठे थे वहाँ, कहीं आदमी लेटा है, इसको जगा देना चाहिए, सो रहा है, नज़दीक आए तो मरा था। मौत तो बड़ी अच्छी हुई उसकी, ज्ञान की पुस्तक पढ़ते पढ़ते शमशान में लेटे लेटे। मन भी अगर वैसा रहा हो तो क्या पूछना है, मौत बड़ी अच्छी हुई। ये शरीर है सबसे बड़ा गर्व शरीर का, और हम क्या दुनिया को बदल देना चाहते हैं, इतना हाथ चमकाते हैं कि दूसरे को उलट पलट देंगे। ये होश ही नहीं है कि हम खुद उलट पलट जाएंगे। शरीर को अपना स्वरूप माने हैं, शरीर उलट पलट गया तो अपने उलट पलट गए। ये समझो मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। सदैव शुद्ध आत्मा का भाव रखो, देहाभिमान छोड़ो, आवाज नम्र हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, कटु नहीं कहोगे, अनर्गल नहीं कहोगे, अव्यवस्थित नहीं कहोगे। का कोई गर्व करा है, किस चीज का गर्व कर रहे हैं? जो गर्व कर रहे हैं त्रास खाने योग्य, उनको देख करके विवेकवान त्रास खाते हैं ऐसे लोगों को देख। जो हाथ चमकाते हैं, कुछ करके रहूंगा, दिखा दूंगा तुमको, कौन होते हैं वे, मैं उलट पलट दूंगा। विवेकवान उनको देख करके यही सोचते हैं कि आग से सांप घिर गया हो। सांप को गुस्सा बहुत होता है और फिर आग से घिरा है, फनफनाता है और ऐंठ ऐंठ करके मरता है, क्योंकि आग से घिरा है, किसी तरफ जा नहीं सकता है, ऐंठ ऐंठ करके मरता और फनफनाता है। अहंकारी तामसी लोगों की दशा यही है, फनफना रहे हैं, ऐंठ ऐंठ के मर रहे हैं। किसको लटपट दोगे, क्या कर लोगे तुम? अपनी अविद्या को मिटाओ, अपने मोह को मिटाओ, अपने अज्ञान को मिटाओ। तुम कौन होते हो? जगने की जरूरत है, मोह भंग करने की जरूरत है। दूसरा कैसा है ये देखने का हमारा कोई समय नहीं है। जैसा है वैसा है, जैसा करेगा पाएगा। अपने को बचा बचा के रखो। अपने को किसी में न उलझाओ। कांटे की झाड़ी है दूर रहो, फंस जाओगे उसमें कष्ट होगा। ऐसे कुछ आदमी होते हैं कांटे की झाड़ी, उनसे बचा के चलो, उनकी भी हित कामना करो, लेकिन उनसे घनिष्ठता करोगे तो उलझ जाओगे, उनसे बचा करके चलो। सज्जनों से संपर्क ठीक है, लेकिन बहुत मोह माया करना हर जगह दुखदाई है। सज्जन से शुद्ध भाव, दुर्जन से दूर, ममता कहीं नहीं, समता सबसे, बचा बचा के चलो। कोई उलझा है तो उसमें उलझो ना। हमारे जीवन में कितने उलझे लोग, उनमें अधिकतम लोग मर गए, हमारा शरीर भी मर जाएगा। कितने लोग हमसे प्यार किए, वे भी बहुत लोग मर गए हैं, और हमारा शरीर भी मर जाएगा। कुछ मूल्य नहीं है जो हमें मिलता है, प्यार और दुत्कार दोनों का कोई मूल्य नहीं है।
मूल्य है हमारे पवित्र मन का, और अगर अपवित्र है तो भयंकर घाटे में है। जीवन में लाभ क्या है और हानि क्या है? लाभ है मन का प्रसन्न रहना, निर्भय रहना, आत्मसंतुष्ट रहना। हानि है भयभीत रहना, अप्रसन्न रहना, खिन्न रहना, दुखी रहना। अपने को हमने साधा नहीं, इसलिए ऐसा कच्चापन है। लोग कहते हैं क्या करें, ऐसे लोग हैं हमारे साथ, या ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्या करें हम दुखी हो जाते हैं। तो तुम सदैव दुखी ही रहोगे। अगर इतने कच्चे हो तो सदैव दुखी रहोगे। चाहे जो मिले दुखी न हो, चाहे जैसे लोग मिले दुखी न हो। दुनिया में कोई सीमा है सज्जन दुर्जन की? सज्जन है, दुर्जन है, सब प्रकार के लोग हैं। साधु वेश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कांटे हैं, पूरा वेशधारी हैं, महाखंडमंडलाचारी, ऐसे ऐसे महंत हैं जिनको लड़ाई ही प्रिय रहती है। ऐसे ऐसे जगतगुरु मंडलेश्वर हैं जो झगड़ा करने वाले हैं, विद्वान हैं और झगड़ा करने वाले हैं। सभी कैटेगरियों में हैं सज्जन दुर्जन। इसलिए अपने को संभालो। वे विद्वान हैं कैसे कह दिए, वे संत हैं कैसे कह दिए, वे हमारे निकट हैं कैसे कह दिए, अपने शिष्य हैं कैसे कह दिए, कैसे कह दिए। जब शैतान चढ़ता है तो कुछ पता लगता है। मनुष्य के दिमाग पर शैतान चढ़ा, शैतान कहीं दूसरा होता है। क्रोध शैतान है, तामस शैतान है, अहंकार शैतान है, काम शैतान है, लोभ मोह शैतान है। ये मन के शैतान जब दिमाग पर चढ़ते हैं तो आदमी अव्यवस्थित हो जाता है, कुछ होश हवास नहीं रहता है। जीव सब विवश है। जिसको तामस में देखो, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, विवश, किसी भी विकारी भावना से विवश हैं, वे दया के पात्र हैं। क्रोध उन पर न करो, उनकी क्षमता यही है, जल रहे हैं। उनके लिए भी कामना करो कि वो शीतल हो, लेकिन कामना भर आप कर सकते हो, अमृत पिला नहीं सकते हो। ऐसे कितने हैं जो अपने को बुद्धि का सागर मानते हैं लेकिन सदैव जलते हैं, क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में जलते हैं। प्रतिभावान है, बुद्धिमान है, तेज तर्रार है, लेकिन विकारों में जलते हैं। अपने को संभालो। अपना संबंध अपने से और किसी से नहीं है। हमें भूख है तो हम भोजन करेंगे तब भूख जाएगी, प्यास है तो पानी पिएंगे तब प्यास जाएगी। दूसरे के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं जाएगी, दूसरे के खाने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। नींद से अगर दिमाग भारी है तो दूसरा कोई सो ले, मेरा दिमाग हल्का नहीं होगा, मुझे सोना है तब मेरा दिमाग हल्का होगा। अपना संबंध केवल अपने से है, दूसरे से संबंध बाह्य व्यवहारता है, बाहरी व्यवहार है। ये सावधानी रखना चाहिए कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो, विरोधी को भी तकलीफ ना हो, जो हमारा विरोधी है उसको भी तकलीफ ना हो, हम तकलीफ न दें। वो तकलीफ मानता है, उसका विचार है, हम तकलीफ न दें। जब मन मक्खन हो जाता है तो तकलीफ देने की भावना आ ही नहीं सकती, किसको तकलीफ देगा। साहिब ने कहा है, घाव पाए काहीं पर घालो, जिद देखो तो प्राण हमारो।
किस पर चोट पहुंचाई जाए, जहां देखता हूं हमारा प्राण प्यारा है। प्राण प्यारा कितना महत्वपूर्ण जोरदार शब्द है। जित देखो तित प्राण हमारो, सबके प्रति प्रेम, दुर्जन के प्रति प्रेम भी, दुर्जन के प्रति भी प्रेम, लेकिन दुर्जन से बच के रहना पड़ता है। वही कांटे की झाड़ी, बहुत निकट होगे तो उलझ जाओगे, उनको तो संभाल नहीं पाओगे, अपने बिगाड़ दोगे। मूर्ख सो क्या बोलिए, सठ सो काह बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। जैसे गोली गुमंत की नीच परी ठहराए, तैसे हृदया मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। ऊपर की दो गई ह्यो की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको का हो पाए। बड़ा मुश्किल है किसी को समझाने का। अहंकार जो हमारा है, हमारी मूर्खता है। केवल हम समझ लें बस, अमृत अगाध अमृत में पहुंच गए। हम समझ लें अपने को और अपने विष को मार लें। अगाध अमृत, अगाध अमृत का अर्थ क्या है? निर्भय मन, शीतल मन, शांत मन, तृप्त मन, अगाध अमृत है। ये बिना पैसे के मिलता, पैसे से नहीं मिलता है। पैसे से मिलता तो बड़े बड़े पूंजीपत तो खूब खरीद लेते। विद्या से भी नहीं मिलता है, पद से भी नहीं मिलता है, अवस्था से भी नहीं मिलता है, वेश धरने से भी नहीं मिलता है। ये तो मेहनत करने से मिलता, अपने को मारने से मिलता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बीज मिट्टी में मिल करके तब उससे फूल निकलते हैं। अखुआ होता है, पौधा होता है, फूल निकलते हैं, फल आते हैं। अपनी हस्ती को मिटा देने के बाद तब जीवन गगन मगन होगा। अपने अहंकार और कामना को मारो, दुनिया से अपेक्षा न रखो कि सब तरफ सम्मान मिलेगा। केवल प्रकाश की अपेक्षा न रखो। जब से जन्म लिए हो देख रहे हो कि दिन होता है रात होती है, बराबर बराबर। कभी रात दिन छोटे बड़े होते हैं तो छोटे बड़े हो करके भी बराबर हो जाते हैं। अगर जेठ में दिन बड़ा है तो पूस में दिन छोटा है। अवध क्षेत्र की माताएं कहती हैं, कार्तिक जीव के घातिक, अगहन हाड़ी अदहन, पूस लड़कवा चूस, अब माघ तिले तिल बाढ़ है तब फागुन गोड़ा काढ़ है। ये जो गंवी लोग हैं ये कम ज्ञानी नहीं है। कार्तिक जीव के घातिक, कार्तिक में काम बहुत रहता है। कार्तिक में आजकल तो वैज्ञानिक साधन से दूसरे ढंग से सब हो गया है। अगहन तक बोते हैं, पूस तक बो करके गेहूं बढ़िया काटते हैं, और सावन सावा अगहन जवा जितने बोए उतने भवा पहले कहा जाता था। सावन में समा बो, समा कह दिया गया, मतलब है कि खरीफ की फसल बो, और अगहन जवा अगहन में जो, यानी रबी की फसल बो, तो जितने बोए उतने भवा। बस अगर एक मन बीज डाले तो एक मन हो जाएगा। तो अषाढ़ में बोने से होता है, अगहन में नहीं कार्तिक में बोने से होता है, लेकिन वैज्ञानिक साधन बदल गया है। तो कार्तिक जीव के घातिक, कार्तिक में काम बहुत, और अगहन हाड़ी अदहन, अगहन में आओ दिन छोटा हो गया तो दो बार हाड़ी में अदहन दिए, दोपहर को शाम को उसी दिन बीत गया। और पूस लड़कवा चूस, माताएं पूस महीने में दो चार बार लड़के को दूध पिलाई, बस दिन बीत गया। माघ तिलो तिल बाढ़ है तब फागुन गोड़ा काढ़ है।
लेकिन तो जेठ में आकर के दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई, तो कुल मिला करके जितना दिन उतना रात। ये मेरा घोर अज्ञान होगा कि दिन दिन रहे, बरियाई रात आएगी, और रात बुरी नहीं है। रात में ठीक से सोया जाता है, विश्राम मिलता है। प्रशंसा हुई, मन यही चाहता है केवल प्रशंसा हो। असंभव बर्फ को भून के हम खाना चाहते हैं, निंदा पक्की है मिलना। और जिसकी जितनी ज्यादा प्रशंसा होती है, आयाम बढ़ता है, उतनी निंदा बढ़ती है, क्योंकि उतना परिचय बढ़ता है, उतने खुराफाती लोग भी मिलते हैं। तो केवल प्रशंसा हो, निंदा ना हो, घोर अज्ञान हमारा हो गया। सत्कार हो, तिरस्कार ना हो, असंभव है। सुख मिले, दुख न मिले, कैसे होगा? सुख दुख तो दोनों जुड़वा भाई हैं, एक बैठा रहता है, एक खड़ा रहता है, बस दोनों साथ साथ चलते हैं। निगेटिव पॉजिटिव पक्ष न हो, ये बिजली जलेगी? जलेगी ही नहीं। सम्मान में हम भूल सकते हैं, सावधान न रहें तो सम्मान में भूल हो जाती है, मोह होने लगता है। अपमान में मोह नहीं होता है, लेकिन अपमान में अगर क्रोध हो गया तो गलत हुआ। क्रोध ना हो, साले। अपमान प्यारा है, कड़वी दवाई रोग को दूर करती है। मीठा सब कोई खाते हैं, विष है लागे धाए, नीम न कोई पीयूसी सबे रोग मिट जाए। साहब कहते हैं मीठा सब कोई खाते हैं, जो रोग बनाता है। नीम का काढ़ा लोग नहीं पीते हैं जिससे सब रोग मिट जाए? प्रतिकूलता परमप्रिय है, दुख बैराग में सहायक है। एक सज्जन ने कहा, महाराज मेरी पत्नी बहुत लड़ाकी है, इसलिए मेरा मन बैराग में लगता है और मोह घटता है। मैं विवेक से जितना अपने मन को नहीं रोक पाता था, अब उसके लड़ाकू होने से मैं रोक पाता हूँ, क्योंकि मोह अपने आप घट गया है, बड़ा हल्का मन हो गया। मैंने कहा द्वेष ना हो उसके लिए, कहे द्वेष नहीं, हम कहे तो समझदारी। हम दुनिया में डूब रहे हैं भवसागर में, अगर कोई एक ढेला मार दे और ढेला से हमारा शरीर सरक करके किनारे और हो जाए तो अच्छा ही है। अगर हमारा कोई अपमान किया तो हमें भवसागर से किनारे लगा रहा है, कह रहा है मूर्ख तो किस संसार में सुखी होने की चेष्टा करता है? इसी संसार में तो, जो जल रहा है चारों तरफ, चारों तरफ दावाग्नि लगी हुई राग द्वेष की, सारा संसार जल रहा है, इसी में तो सुख पाने की इच्छा करता है। इतना व्यामोह, सुख कहीं है? हीरा खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, कपड़े बर्तन खरीद सकते हैं, अन्न पानी खरीद सकते हैं, सुख भी कहीं खरीद सकते हैं? अगर सुख खरीद पाते तो पूंजीपति लोग, नेता लोग ये सुख खरीद करके खूब जमा कर लेते हैं। सुख लाल है कि पीला है, काला है कि उजला है, मोटा है कि पतला है, कोई बताएगा? सुख नाम की वस्तु पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और अगर कहीं है तो खरीद करके लाओ या वैसे ले आओ, हम लोग भी ले लाभ ले लें। सुख नाम की वस्तु कहीं नहीं है, और उसी के लिए हम लोग पागल हैं, तो दुख के सिवा क्या होगा? दुख भोगना है, सुख चाहेंगे दुख भोगना है। सुख हमारी मूर्खता है, हमारा पागलपन है, हमारा अनाड़ीपन है, हमारी अविद्या है, और इस अविद्या के मिटे बिना
हमें सच्चा सुख नहीं होगा। सच्चा सुख है सुख की कामना छूट जाना, सम्मान की कामना छूट जाना, आदर की कामना छूट जाना। जो सुख मानते हैं विषयों का इंद्रियों से संयोग है, वह भी अनुकूल में प्रतिकूल में दुख होता है। आँख से हाथ छू जाए तो दुख होगा। जीभ में हमारे मीठा हो तो अनुकूल लगता है, सुख लगता है, लेकिन उसमें ऐसा खाद्य पदार्थ पड़ जाए जिससे वकाई आ जाए तो दुख लगेगा। विषय वो भी है। एक आदमी सुंदर सुंदर आया हमारे सामने, सुंदर युवक, सुशील, लेकिन वो हमारे शत्रु का लड़का है तो अच्छा नहीं लगता। हमारा मित्र है, कुरूप है, और कुरूप ही नहीं है, दुष्ट है, लेकिन वो मीठा लगता, प्यारा लगता है। ये हमारा अविवेक है। सुख कहाँ लगता है? अनुकूल जिसको हम मानते हैं उनसे जब हमारे मन इंद्रियों का संयोग होता है तब सुख लगता है, और प्रतिकूल जिसे हम मानते हैं उनसे जब हमारे मन इंद्रियों का संयोग होता है तो दुख लगता है। सुख दुख बस यही है, दोनों झूठ है। एक दुख है जैसे पीड़ा हो गई, फोड़ा हो गया, बीमारी आ गई, वो शारीरिक दुख है, वो हमें बांध नहीं सकता है विवेक हो तो, नहीं तो उसमें भी महाय करेंगे। बांधने वाला सुख दुख राग द्वेषात्मक है, राग द्वेष की आग में सारा संसार जल रहा है। मन का नरक जो न भोगता हो वो धन्य है इस दुनिया में। मन के नरक में सब प्राणी पड़े हैं, जो इसमें ना हो महाधन्य है, ना हो उसने पुरुषार्थ किया तब ये होगा, वैसे नहीं होगा, कोई करने वाला नहीं है। प्राय लोग पूछते हैं महाराज ये साधना की सिद्धि श्रम साध्य है कि कृपा साध्य है? कृपा गुरुजनों की है, वो तो बताते हैं रास्ता, इसके आगे वो कोई कृपा नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में मोक्ष का फल तोड़ करके नहीं दे पाएंगे। चाहे सदगुरु दे न तूरी, साहब कहते हैं लोग चाहते तो हैं लेकिन सदगुरु तोड़ करके मोक्ष फल नहीं दे सकते हैं, बता सकते हैं। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास, ये सदगुरु कबीर ने कहा। अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूँ ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ। कहा जाता है साहब गए गुजरात, चार बार गुजरात गए हैं, तो कबीर बड़ भड़ोद जिले में है नर्मदा तट पर, वहाँ तत्वा जीवा दो ब्राह्मण बंधु उनके शिष्य थे, तो वहाँ बहुत दिन रहे। जब चलने लगे तो दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए, कहे महाराज आपको हम चाहते हैं, आप यहीं रहें। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो, और जैसे मैं निष्काम हूँ ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास, मुझे पकड़ करके क्या करोगे? साधु के पैर में तो चक्के लगे रहते हैं, वो चलता रहता है। उन्होंने कहा महाराज आप बनारस चले जाएंगे, हम यहाँ नर्मदा के किनारे हैं, समुद्र किनारे हैं, समुद्र पास में है, कहाँ समुद्र का किनारा कहाँ बनारस। साहब ने कहा जो गुरु बसे बनारस सिस समुन्दर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। सिस समुन्दर तीर है और गुरु बनारस में है, लेकिन वो बिसराए नहीं बिसरेगा अगर अपने में गुण है तो। शिष्य ने
शासन स्वीकार कर लिया, शासन से शिष्य शब्द बना है। संस्कृत में शासन का अर्थ होता है उपदेश, शिक्षा, गुरु की सीख, जिसने मान ली, स्वीकार ली, वो शिष्य है। दीक्षा मात्र तो बहुतों की हो जाती है, वे भी कुछ स्वीकारते हैं, सामान्य दीक्षा हो गई, मदरामान से दूर हो गए, मोटे दुराचार से दूर हो गए, वो भी मानते हैं गुरु के शासन को, उपदेश को। पूरा पूरा जो मान ले वो धन्य है। पूरा पूरा मान लेने से तो थोड़े हो जाता है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। साधना करते करते सिद्ध होती है, एक लागे नहीं होती। घबराना नहीं चाहिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सब घड़ा, ऋतुआए फल हो। कोई लगा रहा है मेहनत से, कैसे नहीं होगा। दुनिया में सबसे सरल काम है मोक्ष प्राप्त करना, सबसे सरल काम है। और बाकी सब सरल ही, क्या कठिन भी नहीं, असंभव है। कुछ काम कठिन है और बाकी सब असंभव है। जैसे भारत के 1 अरब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहें, संभव है? एक ही प्रधानमंत्री हो गए, और फिर योग्यता भी चाहिए, असंभव है। 70 बरस का बूढ़ा 20 बरस का जवान बनना चाहे, होगा? असंभव है। दुनिया के भोग कठिन है, और मिल गए तो छूट जाते हैं, इंद्रियां अपनी शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। प्राणी पदार्थ हमारे वश में रहने वाले नहीं है, सब भागा जा रहा है, चारों तरफ बह रहा है सब। कौन सुवस्था है? मोक्ष प्राप्त करने में पूरी सुवस्था है। ग्रहण करने से भोग मिलता है, त्याग करने से मोक्ष मिलता है। ग्रहण करने में हम असमर्थ हैं, त्याग करने में समर्थ हैं। ग्रहण करने में असमर्थ हैं, हम यहाँ बैठे हैं, पास की जमीन हम चाहे हमें मिल जाए, नहीं देगा वो, हम क्या करेंगे? असमर्थ हैं, हमें चाहिए ही नहीं, बहुत सरल है। ग्रहण करने में हम असमर्थ हैं, त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं, छोड़ देना बहुत सरल है। लेकिन जब लोभ छूटे तब, मोह छूटे तब, ये मोह लोभ की रस्सी जो दिखाई नहीं पड़ती है, लोह जजीर नरसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाएं पछरवा हो। न लोह की जंजीर है, नरसरी है, न और कोई बंधन है, लेकिन बड़े बड़े सुभट पछार खाते हैं। इस वासना के बंधन में सब पीड़ित हैं। सब पर दया करो, क्षमा करो, करुणा करो, गाली देने वाले को आशीर्वाद दो, नम्र रहो। मैं नम्र रहूं, निर्माणी निरहंकारी, अपने को मिटा डालो तब अपने को पाओगे। दो मैं है हमारे जीवन में, एक नकली मैं, एक असली मैं। असली मैं शुद्ध आपा है, शुद्ध चेतन, शुद्ध स्वरूप, जो ज्ञाता है, दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है, जागृत अवस्था में सबको जानता है, रिश्ता खींचता रहता है, जो स्वयं साक्षी स्वरूप है, स्वप्न अवस्था में स्वप्न के भास को देखता है, गाढ़ी नींद में सबके अभाव को देख करके आनंदित रहता है, जो जागृत स्वप्न सुसुप्त तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, वह असली मैं है। दृष्टा रूप में, ज्ञाता रूप में, आत्मा रूप में, असली मैं, वही मैं। नकली मैं अभिलाष है, ये शरीर का पिंड, इसका नाम अभिलाष है, ये नकली मैं है, शरीर है ही नहीं, अभी दिखता है, आभास मात्र, कुछ दिन में नहीं रहेगा।
और जिस दिन नहीं होगा अनंत काल के लिए नहीं रहेगा, एक दो दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। अभिलाष कुछ नहीं है, एक शब्द का जोड़ है, एक हवा है, बोले हवा है, लिखे तो कागज पर एक चिन्ह है, कुछ भी नहीं है। उसको मिटाएं, उसका अहंकार मिटाएं, मैं अभिलाष नहीं हूँ। अभिलाष को किसी ने गाली दी, मुझे गाली नहीं पड़ी। चेतन को कोई कैसे गाली देगा, चेतन निर्विशेष है, निर्विशेष को गाली नहीं पड़ती है। कोई चेतन कह करके गाली दे क्या मतलब है? हाँ, देह का नाम चेतन है तो उसको गाली पड़ेगी। किसी का नाम चेतन होता है तब गाली पड़ेगी। शुद्ध चेतन को गाली नहीं पड़ती है, आत्मा को गाली नहीं पड़ती है। जो आत्मा में सदैव निवास करता है उसको गाली पड़ी नहीं सकती है। देह में निवास करेगा गाली पड़ेगी। देह में निवास करना छोड़ो, देह में निवास करने का मतलब है देह में मन रखना। देह में निवास करके ही तो साधना की जाती है, देह में हैं तो निवास तो प्रारब्धवशात चल रहा है। मन को देह में न रखें, मन को नाम और रूप में न रखें, मन को आत्मा में रखें, कोई क्लेश नहीं है। ऐसा हमें अपने अंदर को मजबूत बनाना है, कितना घात प्रतिघात आए कुछ विचलन न हो चित्त में, तब सच्ची विजय है। आप कह सकते हैं तो साधु के लिए है, तो ठीक है भैया तुम ना करो, भोगो दुख। साधु ही मरेंगे, गृहस्थ लोग तो मरेंगे नहीं, वो सब यहीं रहेंगे। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात स्त्री पुरुष की नहीं है, बात मनुष्य की है। साधु गृहस्थ एक मर्यादा है, आश्रम की मर्यादा है, कानून सब पर प्रकृति का बराबर है, भूख प्यास सबको लगती है, और अवस्था का परिवर्तन और मृत्यु सबकी होती है। काम क्रोध लोभ मोह ये सबकी नहीं होती है, सबको नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह विकार है, जो मिटा देता नहीं होता है। मनोविज्ञान में मान लिया गया है कि भूख प्यास की तरह काम भोग भी मौलिक प्रवृत्ति है। नींद भूख प्यास काम ये मौलिक प्रवृत्ति है। मौलिक प्रवृत्ति है तो जो काम वासना छोड़ देते हैं तो मर जाना चाहिए, वह और सुखी रहते हैं। भूख प्यास शरीर की मौलिक प्रवृत्ति है, नींद मौलिक प्रवृत्ति है, काम मौलिक प्रवृत्ति नहीं है, ये विकारी है, मनोविकार है। जिस समय आपके मन में विकार नहीं है, शहर में बैठे रहें कुछ नहीं, और जंगल में बैठे हैं काम विकार आ गया तो व्याकुल हो जाएंगे। वो मनोविकार मात्र है, अविद्या से अज्ञान से। निर्मल मन करें, जीवन थोड़ा है, किसी उलझन में न पड़े। निंदा प्रशंसा सत्कार तिरस्कार हानि लाभ मिलन वियोग ये अबाद गत से सब चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ रहेंगे, ध्यान दो। जन्म हुआ है मृत्यु खड़ी है, सम्मान हुआ है अपमान होगा, आदर मिला है निरादर होगा, और ऐसा भी है जिससे आदर मिला उससे भी निरादर भी मिल सकता है। अपनों से आदर मिला अपनों से निरादर भी मिल सकता है, ये भी कमर कस के खड़े रहो। सब अपने निरादर नहीं करते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि खराब हो गई निरादर करेगा तो उसमें अमर्श करने की क्या जरूरत है? सालो आजकल में हमारी देह छूट जाएगी, हमें पता ही नहीं लगेगा कहाँ कौन गया। मृत्यु को जो निरंतर देखता है उसके मन में कोई क्लेश नहीं रहता है। तो ये जो मिथ्या मैं है इसको मिटाए बिना कोई सत्य मैं में स्थित नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में दो मैं चलते हैं, एक मिथ्या मैं एक सत्य मैं।
सत्य में आत्मा है, स्वयं स्वरूप मैं ज्ञाता, और मिथ्या में शरीर के नाम रूप, उसके गुणकर्म स्वभाव। इस मिथ्यामय में हम जितने चिपके हैं पीड़ित रहेंगे, और इस मिथ्यामय से जितने हम छूट जाएंगे सुखी रहेंगे। जब इस मिथ्यामय से पूरे छूट जाएंगे तो अपने आप में पूर्ण आनंद है। वही है चश्मबंदो गोशबंदो लब्बीबंद गर्नबीनी सर्रे अकबर मन बखन। रूमी साहेब की बात, आंखें बंद करो, कानों को बंद करो, ओठों को बंद करो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना, मर जाओ। साहेब ने कहा, तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। बहुत भय, रागी आदमी को कह दो अशुभ कहते हो, गुस्सा में हो जाएगा। विवेकवान मृत्यु की याद करता है, रोज मृत्यु का स्मरण करता है। मेरी बात मानो तो 10 मिनट रोज मृत्यु की भावना करो। लेटो, उतान लेट जाओ, सोते समय पहली बार यानी सोने के पहले लेटो, उतान और मृत्यु की कल्पना करो। शरीर मर गया, शरीर मर गया तो क्या तकलीफ अब रह गई, क्या चिंता रह गई। मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दा से कहा, मुर्दा राम कुछ बताओगे? कहे, जरूर बताऊंगा। मर जाओ सुख पाओगे? मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। तो मरना मरना क्या करे, मेरी मरी भला है, मरना था सो मर गए, आपको मरने जाए। आदमी दिन भर मरता है, दिन भर मरता है, एक बार मर जाओ छुट्टी हो जाए। दिन भर हम मरते हैं, हरदम भयभीत, हरदम भयभीत। मृत्यु का स्मरण करो, निगेटिव पक्ष को सदैव सामने रखो, भूलो मत। पॉजिटिव केवल चाहते सकारात्मक भ्रम में है, नकारात्मक पक्का है सामने रहना। सुख के साथ दुख, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता। सुख की परिभाषा मैंने की, जहाँ अनुकूलता लगती है वहाँ जब देखते हैं तो सुख लगता है, और सुख कुछ नहीं है। उसी में प्रतिकूलता लग जाए बस दुख लग जाएगा। बहुत प्यारा है सुख लगता है, अप्रिय हो गया दुख लगता है, ये मन का तमाशा है। सुख दुख दोनों झूठे। अपने मन को नरक से बचाओ, वह धन्य है जिसके मन में नरक नहीं है। क्रोध नरक है, काम नरक है, मोह नरक है, चिंता नरक है, ईर्ष्या द्वेष नरक है, मानसिक पीड़ा नरक है, राग द्वेष नरक है। इस नरक से अपने को बचाओ, ये हमारे जीवन का खास काम है। और इस काम से बहुत लोग बदहोश हैं, इसीलिए सब दुखी हैं। धनी दुखी, निर्धन दुखी, अविद्वान दुखी, विद्वान दुखी। समझदारी नहीं तो साधु वेश है तब भी दुखी, क्योंकि काम पूरा नहीं करते हैं। मोटे मोटे दोस्त छूट गए, सूक्ष्म दोस्त बने हैं, दुखी रहेंगे। अपने को संभालें, जीवन बड़ा अनोखा है और ये समाप्त की दिशा में जा रहा है। आजकल में टायर फट जाता है तो ऐसे फट जाएगा, हवा निकल जाएगी, अब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा। राम बिना नर हुई हो कैसा, बाट माज गोबर उरा जैसा। कहें कबीर, पाछे पछताई हो या घर से जब वा घर जाइ, देरी नहीं है, सब समय आखिरत को समझें। अपने मन को सब समय ये समझाते रहें कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों जीवन में मिलेंगी, दिन रात रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष चलते रहेंगे। अंदर से विवेक में हम इतने बलवान हों कि किसी भी स्थिति में विचलित ना हो, तो सब समय आनंद कंद रहेंगे।
यही कल्याण का रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाहरी कर्मकांड है, बाहरी कर्मकांड आरंभिक है, अंत में यही है, अपने मिथ्या मैं को मार देना, अपने अहंकार और कामना को रगट डालना, केवल अपने पर ध्यान दो। जिसने अपने को सुधारा मानो सबको सुधारा, और जो अपने को नहीं सुधारा सभी उपदेश कर रहे हैं और नहीं कोई मान रहा, मतलब क्या है? तीन नमाजी नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया, दूसरे ने कहा यार नमाज पढ़ते कहीं बोला जाता है, तीसरे ने कहा तुम भी तो बोल दिए, तो चौथा अलग बैठा था कहा महाशय आप भी तो बोल दिए, तो हम आपको उपदेश करते आप मुझे उपदेश करते हैं, और सब घोटाले में सब दुखी। धन्य है वह जो दुखी नहीं, शीतल है जिसका मनर मन के नरक सूख गए, भव सागर सब सूख गयो है, मीरा ने कहा भव सागर सूख जाए ये जीवन की धन्यता है। मोक्ष काम सबसे सरल है, छोड़ देना, अपने अहंकार ममकार को छोड़ दें बस मोक्ष। एक कहानी कह करके समाप्त करूँगा। एक सज्जन जा रहे थे सत्संग में, प्रसिद्ध कहानी है याद दिलाना है। रास्ते में एक पिजड़े में सुगा बैठा था, सुगा ने कहा कहाँ जाते हो? महात्मा का प्रवचन सुनने, पूछ लेना मेरा बंधन कब कटेगा, मैं पिजड़े में बंद हूँ। तो गया, संत प्रवचन समाप्त किए, सब उठ के चलने लगे, भीड़ हट गई, तब वो गया कि हमारा सुगा ने पूछा है पिजड़म बैठा है कि मेरा बंधन कब कटेगा, तो महात्मा गिर पड़े, बदहोश हो गए। उसको भय लगा कि मैं ऐसा पूछा है संजोग से बदहोश हो गए, हमें दोष न लग जाए, भगा वहाँ से। सुगा से कहा भाई महात्मा से तुम्हारा प्रश्न किया तो बदहोश हो गए, बस सुगा भी बदहोश हो गए। उन्होंने कहा ये क्या नाटक है, ये घर वाला हमें न कहे कि हमारी सुगा को मार दिए, वहाँ से भागा। घर वाला आया देखा सुगा मर गया है, पिंजरा खोला जमीन पर उसको रख दिया, घर वालों को पुकारा भैया क्यों मर गया है, जैसे उसका मन उधर हुआ तैसे फर दे उड़ा और गया पेड़ पर बैठ गया। महात्मा ने उत्तर दिया प्रयोग करके कि मर जाए बस बंधन कट जाएगा, ये समझाने का तरीका है। सुगा इतना कहाँ समझे, उसको समझाने के तरीके हैं सब, मर जाओ मुक्त हो जाओ। मर जाने मतलब अपने नकली अहंकार को मार दें, जिससे अपमान सम्मान के द्वंद्व में चित्त ग्रस्त ना हो, बस कल्याण है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बोलिए।